सरकार के लाख दावों और सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। फतेहाबाद में कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 18 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां पराली जलाई गई, और अब कृषि विभाग इन 18 जगहों पर पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। कृषि विभाग के उप निदेशक बलवंत सिंह सहारन ने बताया कि चिन्हित की गई 18 जगहों वाले किसानों के नाम पते फील्ड ऑफिसर के जरिए मंगवा लिए गए हैं, और अब उन किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने प्रशासन के आदेशों के बावजूद पराली जलाई। उप निदेशक का कहना है कि ऐसे किसान जिन्होंने पिछले वर्ष भी पराली जलाई और इस बार भी पराली जला रहे हैं, ऐसे किसानों के खिलाफ पर्यावरण विभाग के जरिए FIR दर्ज करवाई जाएगी। ऐसा है, पराली अभी हमारे यहाँ जो एक अर्ली वैरायटी है 1509, वही धान निसर के आया है, उसी की हार्वेस्टिंग चल रही है जो बहुत कम क्षेत्र में बुआई हुई है। तो इक्का दुक्का कहीं को जलाने की रिपोर्ट आई है, उसका अब तक कुल मिला करके हमारा जो है 18 लोकेशन पर पराली हमें चिन्हित की है। उनका हम जो है नाम नोट करके लाए हैं हमारे फील्ड स्टाफ से, और उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसमें यदि कोई ऐसा किसान पाया जाता है जो विगत वर्ष में भी नेमी जिसने पराली जलाई है, उस पर हम जो है कानूनी कार्रवाई के तहत उसमें पर्यावरण विभाग की तरफ से FIR लॉज करवाएंगे और जुर्माना लगाएंगे। तो ये निगरानी कड़े स्तर पर, गाँव स्तर पर, खंड स्तर पर चल रही है। इसको हम जो है बिल्कुल बारीकी से जांच किए हुए हैं। हमारा फील्ड स्टाफ सारा, जो ADO, ग्राम सचिव, पटवारी सभी लगे हुए हैं, गांव स्तर की टीमें देख रही हैं। सक्षम युवा भी हमने इसमें सहयोग ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने सरकार पर पराली निपटान का स्थायी समाधान के उपाय न बताए जाने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि उनके पास पराली को जलाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं जी ये कहना चाहूँगा, सरकार हमारे को समाधान पक्का दे दे। मैं क्या करूँ, कैसे, कितना कितना खर्चा आता है, पराली को कितने ले जाओ, मैं कितने रख दी है जी। हमारे को पक्का सबूत दे, पक्का सावधान करे। हम सरकार जो कही करने को तैयार है, कोई फैक्ट्री लगवाओ, कोई ऐसा काम जगह दे हमारे रखने को। हम कहाँ रखूँ, इतनी सारी पराली है, किधर रखूँ। सांप चूहों का घर बन जाता है जी। ऐसा सरकार से विनती करूँगा जो कि हमारे को पक्का सावधान समाधान देना चाहिए। तो क्या चाहते हो सरकार से आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा फैसला अच्छी तरह से करो, नहीं तो फिर माचिस की तीली है और इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं। क्या नाम है आपका? भगवान दास कठेरिया। किसान हो? हाँ जी। वहीं सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाने के सवाल पर किसानों का कहना है कि जो किसान केवल 2 से 5 एकड़ जमीन का मालिक है, वो किसान पराली निपटान के लिए इन यंत्रों को सब्सिडी पर कैसे खरीदे। किसानों का कहना है कि सरकार पराली निपटान की समस्या का कोई स्थायी समाधान करे, क्योंकि पराली को खेत में रखने से चूहे, सांप इत्यादि जीव बिल बनाकर फसलों को खराब करेंगे, और ऐसे में पराली को खेतों के आसपास नहीं रखा जा सकता। जनाब कहना क्या चाहेंगे, कहना तो एक बार 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 प्रार्थना तो हम कर चुके हैं CM से, सब मंत्रियों से, DC से, सबसे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी क्या रहा, सिर्फ थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली उनके पास भी कुछ नहीं है। ये अभी आपके सामने देख लो, ये सिर्फ 4 कनाल की हैं, ये यहाँ पर इकट्ठी कर रखी हैं, अभी 30 किले में और खड़ी है। कहाँ तक ले कर इकट्ठी करेंगे, जहाँ इकट्ठी करके रखेंगे वहाँ चूहे आ जाएंगे, फसल और नहीं होने देंगे। कोई इलाज नहीं है, ना तो इसमें बेलर चल सकता है, ना कुछ है। पानी में कह रहे रोटावेटर, ठीक है, अभी ये पानी लगा रहे हैं, पानी में रोटावेटर चला ले, वो बदतर नहीं आएगी। ऊपर से सर्दी पड़ रही है, गेहूं बिजाई 12वें महीने तक नहीं होगी, एवरेज उसकी 35 और 35 के घरों में रह जाएगी। इससे अच्छा कोई बात नहीं, आप किसानों को अंदर टाइम से बंद कर दो, ना किसान होंगे और ना ये गेहूँ बीजेंगे, ना पराली जलाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे घर। अपना खर्चा जो है आप सरकार जमा करा दो, 2 रोटियां इनको देना, बच्चे इनके भूखे गुरुद्वारों में या गलियों में मांग के खा लेंगे। सब किसानों को पकड़ के ना एक बार सबको अंदर बंद कर दो, आराम से वो बैठे रहेंगे, उनको रोजी रोटी देते रहना, उनके बच्चे भीख मांग के कर लेंगे गुजारा। CM साहब सोचो इस बात को, अकेले ऐड देने से कुछ नहीं होता। आओ प्रैक्टिकली हमारे खेतों में आओ, हमारे सामने आओ, आगे बात करो, यहाँ हमारे को हल करके दिखाओ, फिर तो मजे की बात है। वहाँ बैठे कागजी कार्रवाई, हमारे DD है या कुछ भी है, कागजी कार्रवाई में भागे फिरते हैं। हमने सब्सिडी दे दी, क्या करेंगे सब्सिडी का, कोई हल तो नहीं है। अब 6 किले वाला किसान क्या करेगा, 5 किले, 6 किले, 4 किले वाला किसान क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। अब ये बेलर लाए हम, ये 4000 रुपये एकड़ का मांग रहा है, ये 4000 रुपये एकड़ का मंगा के वहाँ छोड़ के चला जा रहा है, उठ नहीं रही है 5 आदमियों से भी, 6 आदमियों से भी।
इसके लिए उठाने के लिए भी ट्रैक्टर से एक लिफ्ट वाला और ले आया है, 1200 रुपए एकड़ वो मांग रहा है उठा के बाहर रखने की। अब 5000 रुपए तो यही खर्चा हो गया, उसके बाद इसकी जुताई पुताई करके सब्जियों करके क्या बचेगा उसमें से, इसका कोई हल नहीं है। कोई ठोस उपाय हमें सुझाया जाए, सरकार हाथ जोड़ के बेनती है कोई ठोस उपाय दे दो ताकि हम जो है ना कोई पराली का समाधान कर सके। या तो फैक्ट्री लगाओ, भुना शुगर मिल का एरिया खाली पड़ा है, एथेनॉल की फैक्ट्री लगाओ, हम वहाँ डालते हैं। मत देना पैसे हमें, सिर्फ हमें भाड़ा दे देना तो भी हम वहाँ पहुँचाने को तैयार है। मत देना पैसे पराली के, लो तो सही, कुछ करो तो सही, नहीं तो हमारे पास तो वही 1 रुपये वाली माचिस है या आपकी सलाखें हैं, सलाखों में जाने को तैयार बैठे। आ जाओ जब मर्जी, आपका जी करे ले चलो, हम तैयार बैठे हैं। सावधानी बरतने, वो आग ना लगो, नहीं लगाते आग पर करें का जाए कहाँ, खाली बैठे हैं। आलू बीजने, ना तो आलू बिजाई हो रही है टाइम से, गेहूं का टाइम आ गया, अब यही 15-20 दिन है गेहूँ बीजेगी वरना तो छुट्टी है, बाद में क्या निकलेगी 20 मन, ऐसे ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट 50 मन होगी, 70 मन होगी, लोगों से ऐड करवा के, वो किसान नहीं है जिनसे ऐड करवा रहे हो, पकड़ पकड़ के उनको पैसे दे के ऐड करवा रहे हो तुम लोग। बोलो किसान यूँ ना करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाने का, सही ठोस समाधान दे दो सरकार, नहीं तो ठीक है आ जाओ जब मर्जी आओ, गिरफ्तार करो ले चलो, हम चलने को तैयार बैठे। हमारे बच्चे भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, आपके बच्चे अच्छे अच्छे होटलों में जाके 5 स्टार में खाना खा लेंगे, हमारे भीख मांग के खा लेंगे, और क्या होगा इससे बड़ा कोई रणनीति। हमारे पास रणनीति जब से इसका कुछ ना हो तो हमारे पास तो माचिस तैयार है, आ जाना जब मर्जी उठा के ले जाना। मेरा नाम रमेश कुमार है। बता दें प्रशासन की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में पराली जलाने वाले किसानों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पराली जलाने वाले किसानों का क्या होगा? हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।